तो हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है यूएफसी 300 में जो फाइट होने वाला है आपका लियोन एडवर्ड और बिलाल मोहम्मद के बीच में वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप का लिए, तो उसके लिए बिलाल मोहम्मद अभी से ट्रेनिंग शुरू कर दिया है। और वो ट्रेनिंग के लिए ठीक है कोई ऐसा वैसा जगह में नहीं गया, सीधा दागिस्तान चला गया ट्रेनिंग लेने खबीब से। और खबीब से ट्रेनिंग लेके आपको पता है लास्ट टाइम जब वो खबीब से ट्रेनिंग लिया था तो शॉन ब्रेडी को सेकंड राउंड में ही टीको कर दिया था। तो वो ट्रेनिंग लेने गया है बिलाल मोहम्मद लियोन एडवर्ड के साथ फाइट करने के लिए दागिस्तान खबीब से ट्रेनिंग लेने। तो आप सोच सकते हो ठीक है, जो लोग सोच रहा था लियोन एडवर्ड जीतेगा बिलाल मोहम्मद को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो वो लोग अभी जरूर सोचेगा ठीक है, 10 बार जरूर सोचेगा उस पर बैट लगाने से पहले। तो आप क्या सोचते हो, आप अपना प्रिडिक्शन जरूर बताएगा ठीक है। क्या आपको लगता है लियोन एडवर्ड अभी बिलाल मोहम्मद को हरा पाएगा ठीक है, वो जो माइंडसेट का साथ आएगा वहां से दागिस्तान से ट्रेनिंग लेके उस माइंडसेट को वो तोड़ पाएगा, या फिर आपका बिलाल मोहम्मद बनेगा नया चैंपियन, तो वो जरूर बताएगा ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ पे। लेकिन अगले न्यूज़ पे जाने से पहले आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को ठीक है। तो अगर ट्रेनिंग का बात चली रहा है तो ट्रेनिंग तो और एक बंदे ने भी स्टार्ट कर दिया है, और वो कोई नहीं है आपका माइकल चैंडलर है। माइकल चैंडलर का फाइट होने वाला है आपका द नोटोरियस कोना मैकग्रेगर के साथ ठीक है, यूएफसी 302 में। तो उसके साथ फाइट करने के लिए वो अभी से ट्रेनिंग कर रहा है। माइकल चैंडलर अभी से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया है, उसने आपका स्टेटस पे लगाया था ठीक है। तो अभी देखना है क्या माइकल चैंडलर उसे हरा पाएगा या नहीं, वो देखना जरूरी है ठीक है। तो आपको क्या लगता है, क्या कोना मैकग्रेगर जीत के अपना एक नाम बनाएगा वापस, या फिर आपको लगता है माइकल चैंडलर कोना मैकग्रेगर को बना के उसका नाम का ऊपर अपना नाम बनाएगा कि मैंने उसे हराया है? तो आपको क्या लगता है वो जरूर बताएगा ठीक है। क्या आपको पता है कोना मैकग्रेगर और माइकल चैंडलर में से फेवरेट कौन है, बैटिंग फेवरेट कौन है यूएफसी 302 के लिए? तो उसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताता हूँ। कोना मैकग्रेगर है आपका बैटिंग फेवरेट -120 के साथ, और माइकल चैंडलर है आपका अंडरडॉग +100 के साथ। तो स्टारडम हो तो भाई साहब ये कोना मैकग्रेगर जैसा इतना साल अनएक्टिव रहने के बाद ठीक है, मतलब इंजुरी से रिकवरी करने के बाद रिटर्न किया है, फिर भी वो मतलब बैटिंग फेवरेट है। तो सोच सकते हो उसका अभी भी स्टारडम कितना है, लोग उसे अभी भी कितना पसंद करता है। ऐसे नहीं कहते हैं वो कॉम्बैट स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा मतलब प्लेयर है, ऐसे नहीं कहते हैं। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू।